हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी। उसके लिए हमें चाहिए हल्दी का पाउडर, उड़द दाल, जीरा, चना दाल, हींग, राई, काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, करी पत्ता और थोड़ी सी इमली। मम्मी, मैंने सही कहा ना सब कुछ? एक गरम कढ़ाई में हम थोड़ी सी तेल डाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा चना दाल ऐड कर लेंगे, उड़द दाल ऐड कर लेंगे, जीरा ऐड कर लेंगे, राई ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। लाल मिर्च हम स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे, आप जितना तीखा चाहे उतना तीखा ऐड कर सकते हैं। अभी हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, थोड़ी देर हम इसको भून लेंगे। अभी ऐड करेंगे हम करी पत्ता, उसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि वो कच्चापन चले जाए और टेस्ट में खाने के समय कच्चापन की वो बिल्कुल भी ना आए। हो गया है दोस्तों, अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर के पीसेस जो हमने थोड़े मोटे से पीसेस में कट कर लिया है और इसके साथ ही हम इमली भी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में इसमें हम लहसुन भी ऐड कर लेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। अभी हम ऐड कर लेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ऐड कर लेने के बाद में हम थोड़ा सा हींग भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। हमको तब तक भूनना है तब तक कि टमाटर और मिर्च सॉफ्ट ना हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और अब हम अभी इसको कवर करके 8 मिनट तक ढक देंगे। देखिए दोस्तों, टाइम हो गया है और बिल्कुल भी ये टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अभी इसे हम 5 to 6 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है वरना अपना मिक्सी जार खराब हो सकता है। देखिए दोस्तों, हमने टमाटर की जो चटनी है उसको हमने ग्राइंड कर लिया है और देखिए ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लिए है, गर्म होने के बाद में हम चटनी के लिए तड़का बना लेंगे। तड़के के लिए हम पहले डालेंगे लाल मिर्च और तड़के की सामग्री डाल लेंगे। तड़के की सामग्री है उड़द दाल, जीरा, राई और करी पत्ता और लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। ये सारी तड़के की सामग्री को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि वो कच्चापन चले जाए और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। देखिए दोस्तों, हमको अच्छे से भूनना है और ये भी देखना है कि तड़के के जो आइटम्स है वो जल ना जाए। जल जाने से एक कड़वापन होता है तो हमको ध्यान से भूनना है, भूनते ही रहना है हमको तब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता ऐड कर लेंगे। करी पत्ता को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें हींग डाल लेंगे। हींग डालने के बाद में अच्छे से भून लेंगे और स्टव को ऑफ कर देंगे। अभी हम इस मिश्रण को जो टमाटो के फाइन पेस्ट है उसमें ऐड करके तड़का लगा लेंगे।
अभी इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए टमाटर की चटनी कितनी टेस्टी बनी है और लाजवाब दिख रही है। अभी टमाटर की चटनी बिल्कुल भी खाने के लिए रेडी है। मम्मी बताइए इसे हम किस किस चीजों से खा सकते हैं? डोसा, इडली, उत्तपा, चपाती, राइस। राइस से खा सकते हैं। और दोस्तों ये चटनी बनाने के लिए बहुत कम ऑयल लगता है, तो ये बहुत हेल्दी है और बहुत लाजवाब होता है टेस्ट में। इसी तरीके के बहुत सारे नए नए वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हमको ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम आपके साथ बहुत सारे इजी रेसिपी शेयर कर सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मम्मी बाय बोल दो। बाय।